एक दिन उन्होंने सपने में क्या देखा, ये श्री जगन्नाथ जी की ना जैसे महाप्रभु का आंखों से आंसू निकलता था, ऐसे देखते जगन्नाथ जी का आंखों से भी आंसू निकल रहा है, नाक से लाल निकल रहा है, और महाप्रभु जैसे कृष्ण प्रेम में महाप्रभु लोट पोट खाते थे, सारा शरीर में धूल धूसरित हो जाता था, जैसे हमारा आंखों से आंसू बहती है कि नहीं, कभी रोते लेकिन आंखों से आंसू ऐसे बहती है, लेकिन महाप्रभु जो नृत्य कीर्तन करते थे आंखों से आंसू ऐसे नहीं बहती थी, जैसे पिचकारी होता है ना, वो पिचकारी जैसे महाप्रभु की आंखों से आंसू निकलती थी, और इतना आंसू निकलता था वो पूरा जो जागा है ना कीचड़ कीचड़ कीच कीच हो जाता था इतना। उन्होंने क्या देखा, जैसे जगन्नाथ जी आंखों से भी ऐसे आंसू निकल रहा है, उनका मुंह में भी लाल निकल रहा है, और जैसे उनका जगन्नाथ जी का जैसे महाप्रभु का शरीर एकदम धूल में धूसरित है, उनको भी देखा ठीक जगन्नाथ जी को देखा उन्होंने ठीक वैसे ही है। जगन्नाथ जी बोले देखो ये जो चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, मैं असल जगन्नाथ और सकल जगन्नाथ मैं ही ये चैतन्य महाप्रभु का रूप जगत में ये प्रेम धर्म प्रचार करने के लिए आया हूँ। इन्हें उनको साधारण इंसान नहीं समझना, ये कौन है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही कलयुग में राधा जी की भाव और अंगांति लेकर जगत में ये हरि भक्ति प्रचार करने के लिए आए, इसलिए इनको साधारण इंसान नहीं समझ। खैर उसको बाद में विश्वास हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु इस कौन ही साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ जी है, फिर तो महाप्रभु का भक्त हो, इसलिए उनका ही जन्मस्थान यहीं पर, उनको माधव देवी का उनको यहीं पर है। महाप्रभु का जो 3.5 विशेष गण है यहाँ पर एक और आधा है, अभी हम जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर श्री राय रामानंद का जन्मस्थान है, और उनके जो तलवार थे पहले शासन करते थे ना, आप देखो उनका तलवार अभी भी है, और पहले तो पेन नहीं होता था, पहले क्या होता था ताल पत्ते के ऊपर लिखते थे, अभी भी वो पेन रखा हुआ है, वो पेन है इसको ऊपर में ताल पत्ते के ऊपर लिखते थे, अभी भी उनका खड़वा है, और उन्होंने श्री जगन्नाथ वल्लभ जो नाटक रचना की है अभी भी वो ग्रंथ है उनका हाथ में लिखा हुआ, जो ग्रंथ अभी भी वहाँ पर विद्यमान, ठीक है, उसको दर्शन करके फिर हम लोग बस में बैठ कर चले, ठीक है। बोले निताई गौर वृंदे हरि हरि बोल। अब देखो इधर से सुन लो, जो जो बस का किराया है ना मठ बस में जा करके हम लोग को दे देना, नहीं तो रास्ता में दे सकते, नहीं तो बस में जा करके बच्चे लोग ले ले, अब 200 रुपया कर दे देना, और जो नीचे बैठे है ना वो 100 रुपया ले लो, और जो जो नीचे बैठे वो 100 रुपया, जो सीट में बैठे